Hey, y'all, come look at this. Hello guys, मैं शिवम. Welcome back to this new video. तो आज का हमारा topic है fanpage के ऊपर. Almost 1 year होने वाला है और एक साल से मैं एक fanpage का user रहा हूँ. एक साल में मैंने fanpage के बारे में काफी कुछ जान लिया है. काफी अच्छा knowledge मुझे fanpage के बारे में. तो almost read count, create count, सारे videos, जितने भी topics मैंने सारे fanpage के ऊपर क्रिएट करके वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर दिए. 100+ वीडियो हमारे पूरे चैनल पर हो चुके हैं फैन पेज के ऊपर. ठीक है, 100 वीडियोस मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉक्स क्लियर किए हैं आपके. बट कुछ डाउट्स हैं, कुछ टॉपिक है जिनके वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाए. एक हमारा उसमें टॉपिक है, हमारा टाइटल है, यदि आपके किसी फैन का बर्थडे होता है, आपके भाई का बर्थडे होता है, अपनी बहन का बर्थडे होता है और आप उसे गिफ्ट देना चाहते हैं फैन का, तो उस गिफ्ट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स उस गिफ्ट को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के लिए. तो यही टॉपिक रहेगा हमारे इस वीडियो को कि हम अपने फ्रेंड को फैम कार्ड नहीं, फैम कार्ड कैसे गिफ्ट दे सकते हैं. और हाँ, एक बात, यदि आप फैम कार्ड क्लासिक को ऑर्डर करते हैं तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा. उसका प्राइस भले ही 99 रुपये होगा, बस उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होगा. उसमें सिर्फ आपको 2x फैम पे कॉइंस मिलेंगे. यदि आप फैम कार्ड मी ऑर्डर करते हैं डूडल वाला, तो आप अपने मन के मुताबिक उसमें डूडल लगा सकते हैं. इसी के साथ साथ आपको उसमें 4x फैम पे कॉइंस मिलेंगे. फैम कार्ड मी में आपको 4x फैम पॉइंट्स मिलेंगे. अगर आप कोई भी बड़ा ऑर्डर करते हैं तो आप उसको 4x फैम पॉइंट्स. जैसे मैंने एक फ़ोन ऑर्डर किया था तो मुझे 4x मीन्स 20,000 का फ़ोन था, तो 4x मीन्स 80,000 मुझे फैम पे. हम आगे अपने पीसी की होम स्क्रीन पर. अब आपको अपने एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा. ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको फैम कार्ड की वेबसाइट को सर्च करना होगा. आप वेबसाइट देख सकते हैं मैंने क्या सर्च किया है. उसके बाद आपको इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा. यदि आप अपने फैन को फैम कार्ड मी को सेंड करना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो मिलेगा. ठीक है, इसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से होगा. ये जो इसका इंटरफेस है फ़ोन में ज़्यादा सुइटेबल लगता है. आपको सिंपल क्या करना होगा, गेट फैम कार्ड पर क्लिक करना होगा. गेट फैम कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको फैम कार्ड का वीज़ा कार्ड मीन्स क्लासिक कार्ड और फैम कार्ड मी आपको शो होगा. ठीक है, फैम कार्ड मी का बेनिफिट आपको काफ़ी सारे मिलेंगे. फैम कार्ड मी के बेनिफिट ये है, आपको इसमें 4x फैम पे कॉइंस मिलेंगे. यदि आप कोई भी ऑर्डर करते हैं, लाइक अगर आप 10 रुपये की टॉफी खरीदते हैं तो आपको 4x फैम पे कॉइंस मिलेंगे, मीन्स 40 कॉइंस मिलेंगे. मैंने फैम कार्ड मी का यूज़ करके एक फ़ोन ऑर्डर किया था 20,000 का, तो मुझे 80,000 फैम पे कॉइंस मिले थे, जिसका यूज़ कर मैंने काफ़ी देर स्पिन को गेन किया था. और स्पिन को जब मैंने गेन किया था तो मैंने काफ़ी देर रुपीज़ उससे क्लेम किए थे. तो आपको अगर क्लासिक कार्ड ऑर्डर करना, क्लासिक कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं. इसी के साथ साथ आप फैम कार्ड मी अगर चाहें तो फैम कार्ड मी ऑर्डर कर सकते हैं. तो फैम कार्ड मी के कई सारे बेनिफिट्स हैं. आपको पर्सनलाइज कार्ड मिलेगा, टच एंड पे, सब कुछ इसमें वर्क करता है. तो मैं इसी कार्ड को मैं सिलेक्ट करूँगा. 299 इसका प्राइस है, उसको नहीं देखेंगे. इसके बेनिफिट्स कई सारे हैं, तो आप भी मेरे हिसाब से आप इसी को ही ऑर्डर करिएगा. ठीक है, भले ही इसका प्राइस 299 उसका 99 है, पर इसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे उसके मुकाबले. क्लासिक कार्ड में आपको सिर्फ 2x फैम पे कॉइंस मिलेंगे, पर इसमें 4x फैम पे कॉइंस मिलेंगे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा. ऐड योर डूडल हेयर, आप इसमें से कौन सा स्टिकर चाहते हैं आप अपने मन के मुताबिक यहाँ से सर्च कर सकते हैं. तो जैसे कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, गिव मी द मिल्क की मैंने सिलेक्ट किया. अब इसका बैक पैनल कैसे, आपको इसमें अपना नेम लिखेंगे अपने फ्रेंड का जिसे आप गिफ्ट करना चाहते हैं. जैसे मैं कुछ भी रैंडमली लिखता हूँ, रवि लिखता हूँ, रवि लिख लिया. अब यहाँ से आप उसका अल्फ़ाबेट मीन स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लेंगे. उसके बाद आपको आगे बढ़ना है. आगे बढ़ने के बाद योर पर्सनलाइज गिफ्ट इज़ रेडी, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है. कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नेम ऑफ द रिसीवर, अपने दोस्त का नंबर सब लिखना है. यहाँ पर नंबर लिखने के बाद रिसीवर एज कितनी है, हाउस नंबर क्या हाउस उसका, पिन कोड, योर डिटेल्स, फ़ोन नंबर. मैं आपको सिर्फ प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, मैं ऑर्डर नहीं करूँगा. पेपर मैं आपको पूरा लास्ट पेमेंट तक का ले जाऊँगा प्रोसेस. ठीक है, मेरा फ्रेंड है ये, पूरा प्रोसेस आपके में सेम रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर डालते हैं वन ऑब्लिक योर फुल एड्रेस, उसके बाद लैंडमार्क, उसके बाद बिलिंग एड्रेस सेम एज डिलीवरी एड्रेस. कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे. कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास प्रोमो कोड है, प्रोमो कोड अगर टाइप करते हैं तो आपका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है. आपको कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करना है. गुड टू गो पर क्लिक करेंगे. गुड टू गो पर क्लिक करने के बाद
आप अपना मोबाइल नंबर दोबारा टाइप करेंगे लॉग इन करने के लिए। आफ्टर दैट आपको अपनी मेल आईडी टाइप करनी होगी यहाँ पर। एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से यूपीआई कार्ड का मेथड आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं कार्ड के थ्रू पेमेंट करूँगा, कार्ड के थ्रू पेमेंट करने के बाद यदि आप यूपीआई चाहे यूपीआई का भी यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी फैम पे यूपीआई का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पे यूजिंग यूपीआई आईडी शिवम रावत डॉट फैम एट द रेट IDFC Bank। करने के बाद अब आपको सिंपली से पे 299 पर क्लिक करना है। योर पेमेंट इज बीइंग प्रोसेस, प्लीज एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम रेजर पेस VPS ऑन योर यूपीआई ऐप। तो फाइनली हमारे फैमपे ऐप में रिक्वेस्ट आ चुकी है, फैमपे ऐप में रिक्वेस्ट आ चुकी है। अगर हम यहाँ से पे कर देते हैं तो ये हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो जाएगा और हमारा ऑर्डर होगा वो भी सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास अगर हम उसे ट्रैक करना होगा तो लॉग इन ट्रैक पर एक नीचे ऑप्शन आता है लॉग इन एंड ट्रैक, तो आपको वो नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टाइप करना होगा और आपको शो होने लगा कि आपका डिस्पैच हुआ है, डिलीवर्ड हुआ है, या फिर पेंट हुआ है, डिजाइंड हुआ है, वो सब आपको शो होने लगेगा आपके फैमपे ऐप में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि फैमपे के ऊपर वीडियो हम ही बनाते हैं ज़्यादातर और कोई नहीं बनाता। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप टीनेजर्स हो।